यस स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है, A3 और S10 एंड वी आर सपोज टू फाइंड D एज वेल एज A10। ठीक है जी, अब थोड़ा पहले प्री वर्किंग कर लो। D हमें पता चलता है A2 माइनस A1 से, यस और नो? और A10 हमें पता कहाँ से चलता है, A10 A प्लस, तो A हमारे पास नहीं है ना D हमारे पास है, और A10 का मतलब N यहां से मिल चुका है, N की वैल्यू 10 हो गई। तो दैट मीन्स दीज टू इंफॉर्मेशन विल हेल्प मी इन फाइंडिंग A एज वेल एज D। इज दैट क्लियर? A3 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, A+2D। तो A+2D इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज माई क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वेरिएबल्स। S10 को क्या लिख सकते हो, बोलो, S10 को S+90। क्या हो गया मैडम आपको, S10 का फॉर्मूला N/2 2A + N-1 × D या N/2 A+AN। इज दिस पॉइंट क्लियर, यस और नो? आप ध्यान से समझिए, S10 को आप क्या लिख सकते थे, 10/2 A+A10, यस और नो? अब एजेंडा हमारे पास ना A है ना A10 है, A10 तो ढूंढना है, A भी नहीं है, तो लेट्स डू नॉट, वी शुड नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, क्योंकि दोनों अननोन है और इसके साथ रिलेटेबल नहीं है। तो मैं एक अलग फॉर्मूला लगाऊं, दूसरा फॉर्मूला क्या था, N/2 2A + N-1, 10-1 = 9D इज इक्वल टू 125। आई होप दिस इज ओके टू एवरीबडी। 2 5 पे गया और 5 25 पे गया, तो यहां से क्या आया, 2A + 9D इज इक्वल टू बेटा 25। ये भी इक्वेशन किसमें, A and D में, और ये भी इक्वेशन, तो दोनों में एलिमिनेशन लगा दूं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो ये बन गई बेटा 2A + 4D इज इक्वल टू 30, और ये बन गए मेरे पास 2A + 9D इज इक्वल टू 25। चेंज ऑफ साइन, कैंसल, -5D इज इक्वल टू 5, तो D की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -1। आई होप दिस इज ओके, श्योर? अब किसी एक में पुट कर दो, A+2 × -1 इज इक्वल टू 15, A-2 इज इक्वल टू 15, तो A इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 70, श्योर? अब कोई भी क्वेश्चन में A आ जाए, D आ जाए और N आ जाए, क्वेश्चन डन। अब उसने D मांगा था, D मेरा एक आंसर आ गया, D इज इक्वल टू -1, और दूसरी चीज क्या मांगी है, A10, A10 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, A+90, A की जगह 17, 9 × -1, 17 - 9, एंड वॉट इज 17 - 9, बोलो, 8, दैट इज माई आंसर। आई होप दिस इज ओके, श्योर? कोई डाउट किसी को, करिए नोट।